हेलो, मैं जसवीर अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको इस कार्डिगन का सेकंड पार्ट बताएंगे, और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बॉर्डर बनाना आपको बताया था वो आपने बना लिया होगा, और बैक साइड का भी आपने इतना पोर्शन शोल्डर तक इतना जितना इसमें बना हुआ है आपने बना लिया होगा। और आगे हम जैसे गटाई डालेंगे तो उस पे जो ये डिज़ाइन डलेगा वो डिज़ाइन हम आपको बताएंगे बैक साइड में। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है, तो अगर आपने इतना पोर्शन बना लिया है शोल्डर तक, तो आगे का भाग हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि हमने कितने इंच रखा है, इसकी लेंथ कितने इंच है वो हम आपको बताएंगे। जे हमने शॉर्ट कोटी बनाई है, जे कार्डिगन जो स्वेटर है ना, हमने बहुत लॉन्ग नहीं बनाया है, शॉर्ट ही बनाया है, जहाँ से हम स्टार्ट करके ये देखिए विद बॉर्डर, विद बॉर्डर हमने इसको, हाँ 15 इंच का हमने लंबाई रखी है इसकी, लेंथ जो है 15 इंच है। 15 इंच के बाद हमने जहाँ से गटाई स्टार्ट की है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये जो गटाई है हम स्टार्ट करेंगे, साथ में हम आपको डिज़ाइन बताएंगे आपने क्या करना है। जब इतना पीस नीचे वाला बुन लिया है 15 इंच, तो आपने जहाँ पहले 3 फंदे, 2 फंदे एक साथ कम करने हैं, फिर आपने 2 करने हैं, फिर 2, 3 बार आपने गटाई डालनी है, 3 3 2 1, ऐसे गटाई डाल के फिर आपने हर सीधी सिलाई एक एक फंदा घटाते जाना है, हर सीधी सिलाई, उल्टी सिलाई में कोई फंदा नहीं घटाना है। जब आप एक एक फंदा घटाते जाएंगे हर सीधी सिलाई, तो जहाँ तक हमारी फंदे जो ये पीछे बैक साइड के हैं पूरे हो गए हैं, जहाँ से लेके जहाँ तक, देखिए इतने, अभी हमारा गला ऊपर का शोल्डर का बैक का नेक का रहता था, तो इतने ही फंदे हमने रखने थे, तो हमने वो फंदे रख लिए एक एक घटाते हुए, बाकी को हमने सिंपल बुन लिया। तो हमने जहाँ से फंदे घटाने शुरू करने हैं, और जहाँ तक आप अगर लेंथ नापेंगे तो आप लेंथ नाप सकते हैं इसकी, के शोल्डर कितना रखना है, ये देखिए ये शोल्डर है, ये हम जहाँ से लेके यहाँ तक हमने रखना है 10 इंच, 10 इंच तक हमने इसकी शोल्डर की, ये फुल लेडीज़ के लिए है, मतलब बहुत जो हैवी लेडी होती है उनके लिए आप 12 इंच रख सकते हैं, लेकिन हमने नॉर्मल लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 10 इंच ही रखना है। 10 से थोड़ा सा 10 रखेंगे तो सिलाई जब करेंगे तो सीधा होने से थोड़ा सा 10 से ऊपर 10.5 हो जाता है, रखेंगे हम 10 इंच, 10 इंच तक हम शोल्डर रखेंगे। तो गटाई हम ऐसे शुरू करेंगे, लेकिन जैसे ही हम गटाई शुरू करेंगे जहाँ से कटिंग है, उसके साथ ही हम उसी के साथ हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो जो ये डिज़ाइन है ना, ये 9 9 फंदों का डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन हम आपको बनाना बताएंगे। ये डिज़ाइन कैसे बनाना है, ये है 9 फंदे बीच में, फिर 9 फंदे बीच में, और एक फंदा सीधा रखना है हमने। तो हमने पहले 3 लाइनें बनानी है, ये देखिए 1 2 3, उल्टी उल्टी लाइनें बनानी है, 3 लाइनें। जब हम 3 लाइनें बनाएंगे तो 4th लाइन में हम डिज़ाइन को, इस डिज़ाइन को बनाएंगे। वैसे हमने 9 उल्टे 1 सीधा, 9 उल्टे 1 सीधा, ऐसे हमने फंदे रखने हैं। तो हम आपको ये डिज़ाइन बनाना बताते हैं। ये देखिए ये हमने जो फर्स्ट पार्ट में बॉर्डर बुना था, फिर हमने आगे सीधा सीधा बुनना था,
पहले हम थोड़ा सा आपको बीच में सीधा बुन के दिखाएंगे थोड़ा सा, तो उसके बाद हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो हमने इन फंदों को ना बढ़ाना है ना घटाना है, जो आपने नीचे से डाले हैं आपने ऊपर सारा उन्हीं फंदों पे सीधा उल्टा बुनना है। बुनने के बाद फिर हमने ये डिज़ाइन डालना है, तो हम आपको बता देते हैं कैसे डालना है। पहले हम दो या चार सिलाइयाँ ये सीधी की बीच में आपको डाल के दिखाते हैं। हाँ, तो ये देखिए हमने बीच में सीधा बुन लिया है। अब सपोज करो कि ये हमारा बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, उसके बाद हमने ये सीधा सीधा बनाया है, पूरा 15 इंच सीधा बना लिया है बॉर्डर समेत विद बॉर्डर। तो सपोज करो हमने जहाँ से लेके जहाँ तक 15 इंच बना लिया है, अब हमने डिज़ाइन डालना है। तो हम डिज़ाइन कैसे डालेंगे ये आपको हमने आज बताना है। तो हम क्या करेंगे ये देखिए, स्टार्टिंग से जैसे आपको सोचोगे कि हम स्टार्ट कैसे करें, तो हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम पहले 3 फंदे कम कर देंगे, 3 फंदे। ये देखिए, क्योंकि जहाँ से हमने स्टार्ट किया है तो हम 3 फंदे, 1, 2 और 3, 3 फंदे हमने कम किए, तो हमारी शेप शुरू हो गई है। अब हमने 9 फंदे उल्टे रखने हैं, 9, 2, 3 हमने कम कर दिए, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे 9 फंदे थे, क्योंकि 3 हमने कम किए। हम ज़्यादा फंदे भी रख सकते हैं, क्योंकि फिर हमने 2 करने हैं, फिर 1 करना है, तो हमारे जहाँ डिब्बी नहीं आएगी, इसलिए हमने जहाँ पे 8 फंदे रखने हैं, 2, 4, 6 और 2 और, तो हमने कितने फंदे रखे, 8, 2, 4, 6, 8 फंदे। 3 घटाई करने के बाद हमने 8 फंदे रखे, और 1 फंदा हमने सीधा बुनना है, सीधा बुना। फिर हमने 9 फंदे उल्टे रखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, हमने 9 फंदे बीच में उल्टे रखे हैं। अब हमने इन पूरे जो हमारे पूरे फंदे होंगे उनको हमने एडजस्टमेंट देनी है, कि अगर इधर 3 कम करने पर 8 बुने हैं, तो इधर भी 3 कम करने पर 8 होने चाहिए। तो हम जितने भी अपने कार्डिगन के फंदे रखेंगे उसको हम एडजस्ट करेंगे कि 9 9 फंदे आने चाहिए। अगर आपके 9 9 फंदे आ रहे हैं और लास्ट में 1 बुन के 2 फंदे बच रहे हैं या 4 फंदे बच रहे हैं, तो आपने उतने ही बचाने हैं। 1 2 फंदे आप ज़्यादा कर सकते हैं, 1 2 फंदे आप कम कर सकते हैं, इतना हो सकता है 1 या 2 फंदे। तो हमने इस हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है, 9 10 9 10 9 1 10 9 और 1 10। इस हिसाब से देखिए, हमने इधर भी 9 फंदे थे तो हमने 3 फंदे कम करके 8 रखे हैं, इधर भी ऐसे ही रखे हैं, तो हमने ना उस डिज़ाइन का बैलेंस बना के रखा है। तो जो आपके कार्डिगन के फंदे होंगे उसमें भी आपने ए इसका गैब गैब बना के रखना है अंतर। इधर भी हमने ऐसे ही स्टार्ट किया है, लास्ट में भी हमने शोल्डर के बाजू के ऐसे ही किया है, फिर इधर भी हमने ऐसे ही किया है। जे आपने एडजस्टमेंट बढ़ानी है अपने फंदों के हिसाब से। अगर आपने 120 नहीं डाले, 130 डाले हैं, 110 डाले हैं, तो उस हिसाब से आपने इन फंदों को एडजस्ट करना है। जे आप मेरे व्यूअर सब पढ़े लिखे हैं, तो आप गिनती करके उसी हिसाब से, ये ज़रूरी नहीं कि आपके पहले 8 बचने चाहिए। अगर हमारे जहाँ 8 है तो जहाँ 10 है, ये देखिए गैब है ना, बस इतना चल जाएगा, 2 2 फंदों का, 4 या 5 फंदे का और गैप नहीं चलेगा। तो इस हिसाब से आपने फंदों को एडजस्ट करना है। इधर भी हमने किया है कटिंग के बाद, इधर भी किया है, ये देखिए
इधर भी किया है। ये देखिए जी, ये हमारा थोड़ा दूरी पे आ रहा है, ये हमारा थोड़ा कम आ रहा है, इतना गैप चल सकता है। तो इसी हिसाब से आपने अपने फंदों को एडजस्टमेंट देनी है। तो अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप आज ये डिज़ाइन देखेंगे इस पार्ट टू में, जहाँ तक आप कटिंग देखेंगे इसकी, ये कटिंग देखेंगे तो एक पीस आपका बुन के तैयार हो जाएगा। तो हमने इसमें 9 फंदे रखे हैं, एक सीधा रखा है, फिर 9 फंदे रखे हैं, तो ऐसे आपने ये पूरी सिलाई बनानी है, एक सीधा, 9 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, एक सीधा, 9 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 फंदे हैं, लेकिन 2 हमारे बच गए हैं, तो हम इनको भी बुन लेंगे, क्योंकि हम आपको डिज़ाइन बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इधर सीधा आया है तो जहाँ भी आएगा, जब ये डिब्बी बन जाएगी सीधे वाली, और रॉन्ग साइड जो है, ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड हमने आपको बता दिया था कि सब उल्टा ही आएगा, हर सिलाई उल्टी, तो हम हर सिलाई उल्टी बुनेंगे। हाँ, अगर आपने एंड पे भी घटाई डालनी है तो आप 3 फंदे कम करेंगे, ये देखिए 3 फंदे हमारे कम हो जाएंगे इधर से, 1, 2, ये फुल घटाई बता रहे हैं आपको, 3, और बाकी के फंदे हम एज इट ऐसे ही बुन लेंगे, ये रॉन्ग साइड है तो रॉन्ग ही बुनेंगे। ये देखिए हम राइट साइड में आ गए हैं। अब हम अगर 3 का 2 का 1 किया है, अब हम एक फंदा और एक और 2 फंदे कम करेंगे। हाँ, अगर हमने वैसे 2, 1, 1 करना था, अब हमने 3 फंदे एकदम कम किए हैं, कटिंग डाली है जहाँ सिलाई होएगी, अब हमने 1-1 फंदा कम करना है, तो हम एक फंदा सीधा बुनेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टे में, कर दिया, बाकी के फंदे हम बुन लेंगे सीधे तक। ये हमारी थर्ड लाइन है, इसको हम सीधा बुनेंगे, सीधे को सीधा, 9 उल्टे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सीधा दिख रहा है तो इसको सीधा बुनेंगे, बाकी फंदे हम उल्टे बुनेंगे, जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा। तो हमने 3 लाइनें बनानी है, 1 बन गई है, 2, इधर भी हम 2 का 1 करेंगे, ठीक है, और रॉन्ग साइड हम पूरी रॉन्ग बुनेंगे। ये रॉन्ग साइड के ना हम लास्ट में हैं, देखिए सेकंड लाइन है ना, तो हमने जहाँ 2 का 1 किया था, अब हम लास्ट में आए हैं, तो जहाँ भी हम 2 का 1 पहले ही कर लेंगे ऐसे, फिर एक फंदा लास्ट वाला बुनेंगे, तो हमने 2 का 1 कर लिया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, तो हम ये पूरी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए हमारी 2 लाइनें हो गई हैं, 1 लाइन हमने अभी और बनानी है, फिर हम इसमें डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमने 3 एक बार में कम किए हैं ना, जब हम सिलाई करेंगे तो उसमें एक आर्ट बिल्कुल फिट बैठेगी, ये नहीं कि हमने ऐसे ऐसे वाली शेप देनी है, ऐसी शेप नहीं रखनी है, वो बच्चों के देते हैं शेप, लेडीज़ के लिए हम कट डालते हैं। अब हम राइट साइड में हैं, 3rd लाइन है और 5th सिलाई है, तो हम क्या करेंगे, सीधा बुनने के बाद थ्रेड इधर करेंगे और 2 का 1 कर देंगे ऐसे, 2 का 1 किया, क्योंकि हमने हर सीधी सिलाई में 2 का 1 करते जाना है, तभी हमारी कटिंग ठीक आएगी। अब हमने जितने फंदे उल्टे बचे हैं उतने बुनने हैं, सीधे को सीधा ही बुनना है, फिर उल्टे को उल्टे, 9 फंदे, 9 फंदे उल्टे, 1 सीधा, 9 उल्टे, 1 सीधा और बाकी के उल्टे, और लास्ट में 2 का 1
और फिर एक फंदा बुनना है, पहले ही दो का एक कर लेना है, फिर एक फंदा बुनना है और रॉन्ग साइड पूरी रॉन्ग। ये देखिए ये राइट साइड है। अब हमने इधर भी एक एक फंदा कम करना शुरू कर दिया हर सीधी सिलाई में, तो अब हम इस डिज़ाइन को डालेंगे, ये जो डिज़ाइन है ना इसको डालेंगे। कटिंग हमारी स्टार्ट हो गई है और अब इस डिज़ाइन को डालेंगे। तो कैसे डालना है ये हमको आपको हम आपको बताते हैं। सीधा फंदा बुना, उतारा, दो का एक किया, क्योंकि हर सीधी सिलाई में हमने ये काम करना है, और बाकी के फंदे हमने उल्टे जितने दिखते हैं बचे हैं वो बुन लेने हैं। बुन लिए, अब हम जो ये सीधा फंदा बुना था इस पे डिज़ाइन डालना है, तो हम सीधी तरफ थ्रेड को करेंगे। इस फंदे में से एक बार इधर फंदा डाला, दो बार और तीन बार, तीन बार हम बुनेंगे फंदे को और पांच फंदे बन जाएंगे, ये पांच फंदे बन जाएंगे। फिर हम नाइन फंदे उल्टे बुनेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नाइन। अब इसमें से हम फिर इस फंदे में से हाँ इसमें से पांच बार हम बुनेंगे, एक दो और तीन, तीन बार बुना तो पांच बार हो गया, पांच फंदे बन गए। फिर हम रॉन्ग साइड से बुनेंगे, रॉन्ग फंदे बुने, उल्टे फंदे बुनेंगे, नाइन नाइन फंदे उल्टे बुने ऐसे, जैसे ये बना हुआ है। अब हम फिर इसी फंदे में से बीच वाले से, इसमें से नहीं निकाल लेंगे, जो बीच में दिख रहा है, एक एक फंदा सिंपल निकाला, थ्रेड इधर किया दो बार, थ्रेड इधर किया तीन बार, तीन बार हमने फंदे में से फंदे निकालने हैं, तो पांच फंदे हमारे बन जाएंगे। फिर हम बाकी के फंदे उल्टे बुनेंगे, लेकिन लास्ट में हम दो का एक करेंगे और एक फंदा वैसे ही बुन लेंगे। अब राइट साइड से ये हमारा फंदा सीधा उतरेगा ऐसे, तो हम इधर लाएंगे तो चेन चेन बनती जाएगी। फिर हम इसको पूरा उल्टा ही बुनेंगे, पूरा उल्टा बुनेंगे, जो हमारे पांच फंदे बने थे उनको भी हम उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार और पांच, पांच फंदे बुन लिए। फिर हम बाकी के फंदे उल्टे बुनेंगे और जो बीच में नाइन फंदों के बाद हमारे पांच फंदे आएंगे, एक के ऊपर पांच बने थे उनको हम पांच फंदे बुनेंगे। नाइन फंदे हमने गिनने हैं पूरे, ये बने हमारे दो चार पाँच, दो चार छ आठ नौ, बाकी के हम पांच फंदे बुनेंगे। ये गिनती हमने रखनी है तीन चार और पांच, नहीं तो फंदे बढ़ जाएंगे। अब आगे फिर नाइन फंदे बुनने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नाइन। फिर हम ये पांच फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार और पाँच, बाकी के फंदे हमने एज इट बुन लेने हैं। बुन लिए, ये फंदे हमारे पांच बड़े हैं, इनको हमने कम भी करना है, लेकिन एक सिलाई हम और बनाएंगे और इनको पांच सीधे बुनेंगे, वो हम आपको दिखा देते हैं। फंदा उतारेंगे सीधा, थ्रेड इधर करेंगे, राइट साइड है, दो का एक करेंगे और इन फंदों को बचे हुए दो फंदे बचे हैं इनको बुनेंगे और पांच फंदों को सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार और पांच, पांच फंदे हमने सीधे बुन लिए, एक उल्टा, बाकी के नाइन फंदे उल्टे बुनेंगे, पांच छ सात आठ और नाइन, नाइन फंदे हमने उल्टे बुन लिए, फिर पांच फंदे सीधे बुनेंगे।
तो ऐसे ही हमने सारी सिलाई बनानी है और लास्ट में दो का एक करना है, एक बुनना है, फिर रॉन्ग सिलाई बनानी है। ये देखिए हम राइट साइड में आ गए हैं, हमने उल्टी सिलाई बेपी ए पांच उल्टे ही बुने थे, तो हमारी ये एक रॉ एक लाइन हमारी ऐसे बीच में आई है। अब हमने इन फंदों को इकट्ठा करना है, एक बनाना है पांच का, तो हम क्या करेंगे, हम एक फंदा सीधा बुनेंगे और इधर करेंगे ऐसे कर लिया और दो का एक करेंगे, ये हमने हर बार करना है। दो का एक किया, एक फंदा बुना, अब हमारे ये पांच फंदे हैं, तो हमने कैसे इनको इकट्ठा करना है वो हम आपको दिखाते हैं। हमने चार फंदे स्लिप करने हैं, एक दो तीन और चार, पांच फंदों में से चार फंदे हमने उतारे, एक फंदा हमने सीधा बुना, इसमें से बारी बारी में इन फंदों को उतार देना है, स्लिप कर देना है ऊपर से, दो, जब करना है इस थ्रेड को पकड़ लेना है, तीन, फिर ये लास्ट वाला चार। तो हमने इसका एक बना लिया फंदा, जी देखिए पांचों का एक बना लिया। अब हमने बाकी के नाइन फंदे उल्टे बुनने हैं, दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नाइन, फिर हमारे पांच फंदे दिख रहे हैं, तो हमने थ्रेड इधर किया, एक दो तीन चार फंदे हमने उतार लिए, एक फंदे को हमने बुन लिया, बुन लिया। अब इसमें से हमने एक एक फंदा लेकर स्लिप करना है, ये देखिए एक को, फिर दूसरे को बारी बारी से करना है, दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे फंदे को, चार फंदे ऊपर से हमने टपाने हैं, टपा दिए। अब हमने फिर नाइन फंदे बुनने हैं, एक दो तीन, ऐसे ही हमने सारा डिज़ाइन बनाना है, नाइन फंदों का गैप बीच में रखना है। फिर हमने ऐसे ही फंदे उतारने हैं और लास्ट वाले को बुनना है और इन फंदों को ऊपर से टपाना है। जब वह फंदे को टपाएंगे, थ्रेड को पकड़ के रखेंगे, खींचना नहीं है, बस पकड़ना है, ऐसे पांचों फंदे उतर गए और इकट्ठा हो के एक फंदा बन गया। हम आगे फंदा लाएंगे थ्रेड और बाकी के हम कम कर देंगे, ऐसे। ये देखिए तीन फंदे हमारे इधर हैं, तीन फंदे इधर हैं, ऐसे आपने बैलेंस बना के रखना है। कटिंग हमारी शुरू हो गई है, तो अब हमने क्या करना है वो हम राइट साइड में आपको बताएंगे। हाँ जी राजे, मैं ना एक बात आपको बताना भूल गई, जैसे हमने ये डिज़ाइन को पांच को बंद करके एक किया है ना, फिर हमने पता क्या करना है, हमने फोर फंदे बुनने हैं उल्टे, दो चार, चार फंदे हमने उल्टे बुने, एक को हमने सीधा बुनना है, सीधा, फिर हमने चार उल्टे बुनने हैं, पांच का एक करना है, फिर हमने चार उल्टे बुनने हैं, एक बीच में सीधा, अभी से जो जे वाली डंडी है ये हमने अभी से स्टार्ट कर देनी है, जे वाली सीधी लाइन, तो हमने इसी में करना था, हम भूल गए, लेकिन हम इसको इधर नहीं लाएंगे, सिलाई को ख़त्म नहीं करेंगे, हम इधर में से ही कर लेंगे, वो हम आपको बता देते हैं। हम क्या करेंगे, एक सीधा फंदा उतारेंगे, अगर आप भी भूल जाएं तो ऐसे करना है, ये फंदा हमारा पांच का एक किया हुआ है, इसको हमने बुन लिया। अब आगे हमारे चार फंदे उल्टे होने चाहिए, एक दो तीन और चार, और ये फंदा हमारा सीधा होना चाहिए था, ये वाला फंदा, तो हमने उल्टा बुन लिया। अब हम इस फंदे को निकाल देंगे, इस फंदे को निकाल दिया इसी सिलाई से, इसको हमने सीधा बुनना है, तो हम थ्रेड को पीछे ले जाएंगे, इसको आगे लाएंगे, जो थ्रेड है वो पीछे है, तो हम इसको ऊपर आके इसके ऊपर से निकाल देंगे, तो ये सीधा फंदा बन गया, ये देखिए है ना, ऐसे हमने इसे को, चार उल्टे हैं एक सीधा है, चार उल्टे हैं, तो ऐसे ही हमने इधर उल्टा ही बुनना है सारी सिलाई, तो हम उल्टी ही बुनेंगे। आगे फिर हम करेंगे,
एक फंदा हमारा जो पांच का एक किया है वो है, बाकी के हमारे चार फंदे हैं, एक दो तीन और चार। लेकिन हमने जहाँ पे एक सीधा रखना था हम भूल गए थे, तो हम क्या करेंगे, इस फंदे को निकाल देंगे बुना हुआ। इस फंदे को हम इस सिलाई पे ले आएंगे और जो थ्रेड दिख रहा है, जो नहीं उधेड़ा है हमने निकाला है, वो पीछे है सीधे के, सीधे फंदे के पीछे। तो हम इसको इसी सिलाई पे रखेंगे और इसको ऊपर से निकाल देंगे, तो हमारा ये सीधा फंदा बन गया। तो इसको हम उल्टा, उल्टी साइड तो हमने उल्टा बुनना ही है, तो इसलिए हमारी ये पूरी उल्टी सिलाई पूरी हो जाएगी। ये देखिए पूरी होगी और हमारा सीधा फंदा भी स्टार्ट हो गया और इधर भी सीधा स्टार्ट हो गया। अब हमने इन पे उल्टे लाने हैं और उस पे सीधा बुनना है। हमने दो सिलाइयाँ, तीसरी पे हम करेंगे दो लाइनें, एक सीधा उतारेंगे, दो का एक करेंगे, आगे पांच का जो एक किया था उसको भी उल्टा, आगे हमारे चार उल्टे हैं, एक दो तीन और चार, ये हमारे उल्टे हो गए। ये हमारा सीधा फंदा है क्योंकि हमने इस सीधे और इस सीधे के बीच में नाइन फंदे रखने हैं इसको डाल के। ये हमारा चार और चार, चार इधर है, चार इधर और पांच, नाइन फंदे हो गए। ये सीधा है तो हमने आगे नाइन फंदे उल्टे बुनने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नाइन, नाइन फंदे हमारे फिर सीधे उल्टे बीच में आ गए। इसको हमने सीधा बुनना है, बाकी तो हमने फिर उल्टे ही बुनने हैं और लास्ट में हमने दो का एक भी करना है, जो कि हमने हर बार दो का एक करना है, रॉन्ग साइड में कुछ नहीं करना है। ये देखिए ऐसे हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। अब दूसरी डिब्बी हमने कब डालनी है वो हम आपको बता देते हैं। हमारी ये दो सिलाइयाँ, दो लाइनें हो गई हैं, एक दो। अब हम थर्ड लाइन में आएंगे, ये देखिए जी हमने इसके साथ स्टार्ट कर लिया सीधा, इसको बंद कर दिया। इस बंद करने के बाद हमारी एक लाइन आएगी, एक लाइन दो सिलाइयाँ, फिर जब हमारी तीसरी लाइन आएगी उसी पे हमने इसको फंदों को बढ़ाना है। तो ये देखिए हमारी इसके ऊपर एक लाइन आ गई है। अब जो उल्टी बुन के सीधी आएगी उस पे हमने जहाँ पे फंदे को पांच करना है वो हम आपको बता देते हैं। ये देखिए ये हमारा अब एक लाइन बन गई है। अब हमने ये हमारी बीच की जो लाइनें हैं ना, एक दो तीन चार, पांचवी में हमने यानी कि एक लाइन ऊपर बनाकर हमने अगला डिज़ाइन स्टार्ट करना है। तो हम ऐसे दो का एक करेंगे जो हम करते हैं, और जो सीधी सिलाई आई है सीधी लाइन उसमें हम इसमें अब हम एक का पांच करेंगे, इसी में से करेंगे, एक बार दो बार तीन बार कर दिया। फिर हम नाइन फंदे उल्टे बुनेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नाइन, नाइन फंदे हमने ऐसे उल्टे बुन लिए। अब इसी में से हम, इसी फंदे में से हम पांच फंदे बनाएंगे, एक दो बार थ्रेड इधर किया तीन बार, तो पांच फंदे हो गए और बाकी फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो दो का एक करेंगे लास्ट में और इसको सिंपल बुन लेंगे उल्टे फंदे को उल्टा ही। अब इस तरफ से फंदा सीधा आता है तो हम फली भी बनानी है, तो हम सीधे फंदे को सीधा ही उतारेंगे, बाकी हम उल्टे बुनेंगे। ऐसे ऐसे हमने पूरी रॉन्ग साइड बनानी है। ये देखिए अब हमने उल्टी साइड से भी इन पांच फंदों को पांच बुना है। अब हम एक सिलाई और डालेंगे और सीधे पांच बुनेंगे, सीधे पांच बुनेंगे, नाइन उल्टे बुनेंगे और जहां से कटिंग करते जाएंगे फिर रॉन्ग साइड भी हम ऐसे ही बुनेंगे,
जो पांच सीधे बुने हैं वो उल्टे था साइड से पांच बुनेंगे, और फिर हम जो राइट साइड आएगी उसमें हम फिर इसको एक कर देंगे, जैसे हमने जहाँ पे डिज़ाइन डाला है वैसे ही जहाँ पे डालना है। तो ये जो डिज़ाइन हम शुरू करते हैं वो एक दो तीन लाइनों के बाद फिर हम बढ़ाना शुरू करते हैं, इस फंदे को पांच करते हैं। लेकिन जब हमारा तीन सिलाइयों के बाद ये डिज़ाइन बन जाता है तो हम इस सिलाई पे, इस लाइन पे हम फंदे बढ़ाते हैं, फिर वो पांच एक बार बुनते हैं सीधे इस लाइन में, फिर अगली लाइन में हम जब पांच का एक करते हैं तो एक सीधा जहाँ पे कर देते हैं, फिर हम एक सिलाई और बनाते हैं। जब हम एक करते हैं ना, एक सीधा बुना पांच काम के, ये हमारी सिलाई हो, उसके ऊपर हमने एक सिलाई बनानी है और एक हमने ये सीधे सीधे। तो ऐसे जैसे हमने नीचे डिज़ाइन बनाया है वैसे ही आपने ऊपर डिज़ाइन बनाना है, और फंदे हमारे कम होते जाएंगे और हम आपको बता देते हैं कि हमारे ऊपर जाकर फंदे कितने रह जाएंगे। देखिए ये तो हमारे हैं नाइन फंदे, ये भी नाइन है और ये भी नाइन है। एक दो, ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ, हमारे नाइन फंदे ये हैं, नाइन नाइन नाइन, एक दो तीन चार, नाइन नाइन फोर ज़ा 36, 36 फंदे हमारे ये हैं उल्टे उल्टे, 36, 37, 38, 39, हमने 39 फंदे रखने हैं ऊपर जाके, चाहे 39 हमारे जहाँ से कटिंग करते हुए जहीं ख़त्म हो जाए, चाहे ऊपर जाके ख़त्म होए। जे आपने 10 इंच की कटिंग डालनी है, 10 इंच की कटिंग डालने के बाद आपने 39 फंदे रख कर फिर बाकी फंदे आपने सिंपल आगे बुन लेने हैं, बस इतना। क्योंकि हमने ये जो गला है ना इसको थोड़ा सा डीप रखना है पीछे से, ये देखिए ये जो गला है ना इसको हमने थोड़ा सा पीछे से डीप रखना है, ऐसे शेप आती है ना, ये तो शोल्डर हो गए आर्म्स के, तो ये थोड़ा सा क्योंकि हमने डाउन रखा है इसको इतना रख कर हमने छोड़ देना है। तो हमने हमने पार्ट टू में आपको यहाँ से लेके बीज का और ये कटिंग बता दी है, अब हम पार्ट थ्री में आपको फ्रंट का बताएंगे, ऐसे फ्रंट का बताएंगे और साथ में आपको बटन पट्टी बुनना भी बताएंगे। ये बटन पट्टी, क्योंकि जो भी डिज़ाइनर है बटन पट्टी इसको भी हम बनाना बताएंगे और इसकी कटिंग और गला आपको बता देंगे, ठीक है। तो राजे आपने पहले बैक का बुन लेना है, बैक टू पार्ट में आएगा, थ्री पार्ट हम फ्रंट पेज बनाएंगे। तो ये हमारा, ये देखिए, ये हमारा बॉर्डर हो गया, ये हमारे बीच के हो गए और ये हमारा डिज़ाइन हो गया। तो ऐसे आपने बैक तैयार कर लेनी है पूरी रेडी करके, फिर हम फ्रंट में आएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है वो आपके पास आ जाए उसका लिंक, और आप पार्ट वन टू थ्री जितने बढ़ेंगे, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है, तो आप ये काम ज़रूर करना है, आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आपने सब्सक्राइब के बटन को क्लिक ही करना है तो सब्सक्राइब हो जाएगा, साथ में बेल दिखेगी तो बेल को दबाना है तो उसमें दो लाइनें आएंगी, तो इतने में ही जो जो हमारे डिज़ाइन है ना आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं इतना ही आपको कह सकती हूँ, रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। तो आपको अगर मेरा जी कार्डिगन बनाना, स्वेटर बनाना फुल अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।